हैं जी दोस्तों, अभी दिन का 1:30 बज रहा है और एक कबूतर आके बैठा हुआ है। मैं अभी निकाल के गया हूँ कबूतर भाई। यही मोर लगी हुई है, इसको टूर्नामेंट में उड़ी हुई है, ये सामने मोर लगी हुई है जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे जी। कबूतर शबूतर ठापे लगा रहे हैं, एक बच्चा सा आया हुआ किसी का, ये चेक करें, ये जा रहा है किसी का बच्चा, एक चला के ऊपर होता होता। हवा शवा चल रही है दोस्तों। बाकी और भाई सुनाए, सब ठीक ठाक हैं, हैरी से होंगे जी। हान पिजन भाई आप सुनाए कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, हैरी से होंगे। बाकी ऊपर भी उड़े हैं तो काम शाम जा रही है अभी, तो देख सकते हैं। मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है जी, मेहनत की तो सारी बात है, मेहनत करेंगे तो फिर काम होगा ना, वरना वैसे काम नहीं होता। ये देख लें, उतार रहे हैं छत ऊपर से, काफ़ी उतार दिया। तो जो कबूतर आया हुआ था वो दिन के दिन निकल गया। तो दिलावर साहब लगे हुए हैं अभी, तो छत हमने उतार दी है ऊपर से काफ़ी ज़्यादा। अभी नीचे से जी ये वाला डोर सा निकालना है दरवाज़ा, क्योंकि खुडे के अंदर लगाना है दोनों। हैं पता नहीं किधर गया अभी दोस्तों बच्चा, पता नहीं कितने निकल गए हैं जी दोस्तों। अभी दिन का 1:30 बज रहा है और एक कबूतर आके बैठा हुआ है। मैं अभी निकाल के गया हूँ कबूतर भाई, क्योंकि कबूतर काफ़ी सारे घूम रहे थे आगे। ये कबूतर हरा कलर लगा हुआ आगे बैठा हुआ है, इसे ट्राई करते हैं ऊपर जाते हैं। आने लगा नीचे, यहाँ तो नीचे पानी नहीं है भाई। मैं सोच रहा हूँ हो सकता पानी पे उड़ के आई हो, क्योंकि पानी बाहर नहीं है पड़ा हुआ। पानी निकालते हैं, अपना कबूतर तंग आ रहा है, पानी निकालते हैं, हो सकता है पानी पे आ जाए। बाकी कबूतर अभी काफ़ी घूम रहे थे आगे, क्योंकि मौसम भी ख़राब है। पानी इधर डालते हैं और पानी पे देख रहे हैं। पानी मैंने दोस्तों रखा है और देख रहा है पानी की तरफ, ये देख रहे। साइड पे होते हैं, दाना डालते हैं, कबूतर अपने अंदर से बाहर आएंगे तो इंशाल्लाह नीचे आ जाएगा कबूतर। तो अभी थोड़ी देर पहले ये लगता घूमता रहा लेकिन निकल गया, हो सकता है हमें लगा आएगा दोबारा। तो अभी आया हूँ तो देखा बैठा हुआ है, कबूतरों का दाना डाला है जी, कबूतर अपने नीचे हो रहे हैं सारे। तो अभी पानी खिलाते हैं और निकालता हूँ पानी अंदर से बाहर, तो इंशाल्लाह नीचे आ जाएगा। दोस्तों आने लगा नीचे इस साइड पे, मैंने पानी इस साइड पे रखा है और नीचे देख रहा सीधा पानी के ऊपर ही। कबूतर बड़ा किसी के प्यासा है, यहाँ तो रात रुका हुआ है। अभी देखते हैं इधर से उतर आए तो ठीक है, वरना दूसरी साइड पे जाल पे उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाल पे देख नहीं रहा वो। यहाँ खुडे के ऊपर पानी रखते हैं ताकि सीधा खुडे के ऊपर ही उतर जाए। दोस्तों अभी मैंने पानी रखा ही है तो उतर ही है सीधा जाल के ऊपर, तो चेक करें पानी मैंने नीचे रखा था, वो इसलिए पानी रखा है कि भाई उतरने का इधर पानी की तरफ ना बाहर बाहर देख रहा था, तो इसलिए मैंने पानी रख दिया। अभी दरावर बंद करता है इसे, अगर दोबारा ना ऊपर देख रहा है जाल के ऊपर चाल नहीं रहा, पानी की तरफ देखें। अभी भी नीचे पानी रखा हुआ ना, मैंने पानी काट छुड़िए बाहर नहीं था, रात बारे। अभी दोस्तों चला के दब्बे की तरफ लेके जा रहे हैं,
देखते हैं पकड़ा जाता है कि क्या करते हैं। दरअसल पानी नहीं कहीं दोस्तों, दफा अभी दूसरा उठाया है, वीडियो कट हो गई थी तो अभी दूसरे दफे की तरफ लेके जानते हैं, तो देखते हैं पकड़ा जाता है कि क्या करता है। देखने हैं तो प्यासा बिल्कुल कबूतर, यहाँ तो रात रुका हुआ लगता है बाहर, अभी थोड़ा सा इस साइड पे होना फिर दफे के ऊपर चला जाएगा, लेकिन आगे आगे की तरफ देख रहे हैं। हवा भी चल रही है, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है आज, तो अभी देखते हैं क्या बनता है। थोड़ा सा इस साइड पे हो जाए ना, ये जी पकड़ा गया दोस्तों, पकड़ा गया जी। अभी आपको इसका जान में से निकाल के शौक भी कराते हैं क्या चीज़ पकड़ी है, तो आप भाई चेक करना फिर। लें जी दोस्तों, ये है वो कबूतर, उतार के लिए नीचे ले गए हैं, पकड़ा गया जी, चेक करें माशाल्लाह, पीले कलर ऊपर लगे हुए हैं इसको, शहजादा बहुत ही अच्छा है जिस दोस्त भाई का है जी, ये चेक करें मुकम्मल। बहुत ज़्यादा प्यासा था और के शुरू करें माशाल्लाह, ये चेक करें, ये दूसरी साइड का, ये जी मोर लगी हुई है इसको, टूर्नामेंट में उड़ी हुई है, ये सामने मोर लगी हुई है जी, बाकी और तो नहीं है, एक ही मोर लगी हुई है इस मादी को, मादी है अभी टेडी जी है, कराते हैं कलर इसको, ये वाले लगे हुए हैं दोनों साइड पे लगाओ, ये जी पंजे इसके, चोई हुई है जी, ये चेक करें बगी हुई है, 2 बजे का टाइम हो रहा है जी, ये आप चेक करें माशाल्लाह, टैली पट्टी है बहुत अच्छी है जी, किस दोस्त भाई की है जी वो रब्ता कर ले जी, और अपनी ये मादी लेके जा सकता है जी, ये ऊपर इसको कलर लगा हुआ है, ये चक्कर है, टांग पहाड़ी है, हवा चल रही है जिसकी वजह से काफी कबूतर भी आए हुए थे लेकिन निकल गए हैं, ये भी पहले आके घूमता रहा लगता है फिर निकल गया, और दोबारा आ गया फिर आके बैठ गया खुद, ये से कलर लगा हुआ है। ठीक है जी, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।